हेलो दोस्तों, मोटोरोला की तरफ से एक नया अपकमिंग स्मार्टफोन काफ़ी धांसू वाला स्मार्टफोन लाने के लिए तरीके तैयार हो चुका है। कह सकते हैं इतनी स्पीड और इतनी रफ्तार के साथ लाने के लिए कोशिश कर रहा है जिस तरह से कोई स्मार्टफोन नहीं लाया होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोटोरोला की तरफ से अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो X50 अल्ट्रा को लेकर। मोटोरोला ने इसके लेकर एक टीज जारी किया है जिसमें मैं दिखाया है कि मोटोरोला ने अपने X50 अल्ट्रा को फार्मूला नंबर 1 रेस की कार के साथ इसे टीज जारी किया है। इसमें इसे पता लग रहा है, इसमें देखने को जो मिल रही है इसकी डिजाइन वगैरह देखने को जितना तो पूरी तरह डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये लेदर वैगन के साथ देखने को मिल सकता है, कर्व डिस्प्ले के साथ, और साइड में ही आपको शायद कैमरा वगैरह देखने को मिल सकता है। और साथ में इस स्मार्टफोन के कुछ सामने हाईलाइटेड फीचर्स भी सामने थोड़ा बहुत प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और कह सकते हैं 125 वाट का आपको वायर चार्जिंग और 50 वाट का आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि चार्जिंग की भी दो प्रकार के इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकती है। वही साथ में ये बता रहा है कि इस स्मार्टफोन को ठीक से तो नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि 21 अप्रैल को देखा जा सकता है, क्योंकि फार्मूला नंबर A1 के रेस के साथ ये स्मार्टफोन पे 21 अप्रैल को होने वाले इससे F1 चाइनीज GP में उसमें जिक्र किया जा रहा है कि 21 अप्रैल को होगा, उसी साथ इसको देखने को मिल सकती है इस स्मार्टफोन को लेकर। ऐसे में क्या कहेंगे, इस ब्रांड को जिस तरह से एंट्री ले रहा है स्मार्टफोन मोटो X50 अल्ट्रा, किस तरह के फीचर्स के साथ देखने को मिल सकती है, इसकी प्राइस क्या हो सकती है, आप अपने संभवती कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट सकते हैं, अपनी राय कमेंट सकते हैं, छोड़ सकते हैं। फिलहाल कुछ इसी पी स्पीकेशन कुछ फीचर देखने को मिले थे जो कि एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।